गपुड़ी बहू। उमा जी की बहू पिंकी को गप्पे मारने की बहुत आदत थी। वो जब भी किसी के बारे में बातें करती तो बड़े बड़े गप्पे फेंका करती। आसपास के सब लोगों को पता था कि पिंकी बहुत बड़ी गपोड़ी बाज है। लोग उसकी बात पर विश्वास नहीं किया करते थे, लेकिन हाँ, उसकी बातें सुन सुन कर हंसते बहुत थे। अरे बहू, पड़ोस वाली शर्मा जी है ना, उनकी बेटी का जन्मदिन है, तुम भी चली जाना। ठीक है मम्मी जी, ये तो बता दो गिफ्ट में लेकर क्या जाना है। अरे लेकर क्या जाना है, 250 का लिफाफा दे देना, बस काफी है। अरे मम्मी जी, अच्छा लगेगा क्या? पड़ोसी हैं हमारे, हमें कुछ बड़ा लेकर जाना चाहिए। अरे बहू, इतना काफी है। जानती हैं आप, मेरे मायके में जब पड़ोस में किसी की बर्थडे होती थी ना, तो मम्मी कुछ ना कुछ गोल्ड का ही देकर भेजती थी। पड़ोसी के बर्थडे में सोना? कैसी बातें करती हो। और नहीं तो क्या, आपकी तरह थोड़ी ना लिफाफा पकड़ा दिया। पिंकी शर्मा जी की बेटी के जन्मदिन में चली जाती है। अरे आज तो बड़ी सुंदर लग रही हो साड़ी में। जी मैं तो लहंगा पहन कर आने वाली थी, मम्मी जी नहीं मानी। अरे बेटा, बर्थडे पार्टी में तो साड़ी चल जाती है, मेरा मतलब कोई शादी थोड़ी ना है। कैसी बात कर रही हैं आप आंटी जी, मेरे मायके में तो छोटे छोटे फंक्शन भी हम लोग लहंगा बनवाते थे बुटीक से, डिजाइन करवा कर। चाहे पड़ोस में किसी का जन्मदिन हो, मेरी मम्मी हमेशा बुटीक से नया लहंगा डिजाइन करवाती थी। मैंने तो ऐसा कहीं नहीं देखा, ये तो तुमने आज बड़े कमाल की बात बताई। अरे जाने दीजिए, कोई बात नहीं। और बताइए, आपकी बेटी नजर नहीं आ रही। अरे भाभी मैं यहाँ हूँ, ये देखिए मेरा ड्रेस कैसा लग रहा है। ठीक ही है, मतलब बर्थडे के हिसाब से थोड़ा हल्का है ना। अरे भाभी इतना सुंदर गाउन पहना है मैंने। मैं ना शादी से पहले अपने बर्थडे पर हमेशा जरी वाला लहंगा पहना करती थी, यही मैं तुम्हारी मम्मी को भी बता रही थी। इसके बाद केक काटने का प्रोग्राम शुरू होता है, सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। शर्मा जी की बेटी का केक देखकर पिंकी से रहा नहीं जाता, उसके अंदर का गपोड़ी बाज बाहर निकल कर आ जाता है। अरे इतना छोटा सा केक। अरे बेटा, मेहमानों के हिसाब से ही है, जितने लोग इतना बड़ा केक। आंटी जी, कम से कम 4 या 5 मंजिल वाला केक तो बनाना चाहिए था। आपकी बेटी का बर्थडे रोज रोज थोड़ी ना आता है, मेरे बर्थडे पर हमेशा पापा 4 केक बनवाते थे, सारे केक 4-4 मंजिल के होते थे। वहां पर सारे लोग उमा जी के मोहल्ले के ही थे और वो पिंकी के गप्पे मारने की आदत से अच्छी तरह वाकिफ थे, इसलिए सब लोग उसकी बात सुनकर हंसने लगे, लेकिन किसी ने पिंकी से कुछ नहीं कहा। एक दिन सुबह सुबह पिंकी ने अपनी सास से कहा, मम्मी जी मेरे मम्मी पापा मुझसे मिलने के लिए यहाँ आ रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, उनके आने की तैयारी करो, अच्छा अच्छा खाना बनाओ। वैसे कब तक आएंगे? मम्मी जी फ्लाइट से आ रहे हैं, कल शाम को 4 बजे की फ्लाइट है। फ्लाइट? लेकिन बेटा तेरा मायका तो यहाँ से 2 घंटे की दूरी पर है, तेरे मम्मी पापा फ्लाइट से कब से आने लगे? अरे मम्मी जी आपको पता नहीं है, मेरे मम्मी पापा ना आधे घंटे की दूरी के लिए भी फ्लाइट का टिकट बुक करवाती है। अरे गप्पे थोड़े कम मारा करो बहू, कोई फ्लाइट से तब आएगा ना जब यहाँ पर एयरपोर्ट होगा, तुम्हारी मम्मी क्या उड़कर आएगी घर में? अरे हाँ मम्मी जी, मैं तो भूल ही गई थी, वो क्या ना, मेरे मम्मी पापा हमेशा फ्लाइट से ही ट्रेवल करते हैं, तो मेरे दिमाग से ही निकल गया था। अगले दिन पिंकी के मम्मी और पापा पिंकी से मिलने के लिए उसके घर आते हैं। आइए आइए जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और समधन जी, हमारी बेटी की कोई शिकायत तो नहीं ना? ठीक से संभाल लिया है ना आपका घर? अरे मेरी बहू बहुत समझदार है, घर का काम बहुत अच्छे तरीके से करती है। बस थोड़ा ज्यादा बोलने की आदत है उसे, आपको परेशान करती होगी ना। बात तो आपकी सही है, उसकी थोड़ा ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा बोलने की आदत है। लेकिन कोई बात नहीं, आपकी बेटी दिल की बहुत अच्छी है, बस थोड़ा बोलती ही तो ज्यादा है। पिंकी बेटा इधर आओ, देखो तुम्हारे मम्मी पापा आए हैं, तुमने इनके लिए खाना तो बना लिया ना। वो क्या है ना मम्मी जी, आपसे एक बात कहनी थी। हाँ हाँ बोलो बहू, क्या बात है, डरने की कोई जरूरत नहीं। वो मम्मी जी, मैंने सोचा मम्मी पापा आए हैं तो खाना बाहर से मंगवा लेती हूँ। अरे कोई बात नहीं बेटा, वैसे भी तुम किचन में काम करने लग जाती तो अपने मम्मी पापा से बात कब करती, बहुत अच्छा किया। अब तुम अपने मम्मी पापा के साथ बैठकर आराम से बात करो, मैं अंदर जाती हूँ। शाम का वक्त, जैसे ही दरवाजे की घंटी बजी,
तीन चार लोग हाथों में खाने की बहुत सारे पैकेट लेकर उमा जी के घर पहुंच गए। अरे भाई कौन है आप लोग, लगता है गलत पते पर आ गए। नहीं नहीं माजी, हम तो खाने का ऑर्डर डिलीवर करने आए हैं, यहीं से बुकिंग मिली थी। अरे नहीं नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई है, हमारे यहाँ तो दो ही मेहमान आए हैं। आपके हाथ के पैकेट देखकर लगता है इसमें 50 लोगों का खाना है। माजी आपने सही समझा, खाना तो इसमें 50 लोगों का ही है, क्योंकि हमें ऑर्डर यहीं से 50 लोगों का मिला है। अरे लेकिन इतना सारा खाना, कहीं मेरी बहू ने अपनी गप मारने की आदत के चलते ऐसा तो नहीं कर दिया। ये खाना आप रख लीजिए और हमें हमारे पैसे दे दीजिए। अच्छा वैसे कितने का बिल बना है? ज्यादा नहीं, बस 10,000 दे दीजिए। उन लोगों की बात सुनकर उमा जी पिंकी को आवाज देकर वहां बुलाती है। जैसे ही पिंकी वहां आती है, खुश होते हुए उन लोगों को वहां पर खाना रखने के लिए कहती है। अरे इतना सारा खाना क्यों मंगवाया बहू? अरे मम्मी जी, मैंने आपको बताया तो था, मम्मी पापा आए हैं तो मैं खाना बाहर से मंगवा रही हूँ। ये बात सही है बेटा, लेकिन 2 लोगों के लिए 50 लोगों का खाना? अरे मम्मी जी कुछ कम पड़ जाए तो अच्छा थोड़ी ना लगता है, और मेरे मायके में तो ऐसा ही होता है, एक्स्ट्रा खाना मंगवाते हैं हम लोग। तभी पिंकी के मम्मी और पापा वहां पर आते हैं। अरे बेटा, एक्स्ट्रा खाना मंगवाने का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि 2 लोगों के खाने के लिए 50 लोगों का खाना मंगवा लो। और बेटा तुम्हारी गप मारने की आदत के चलते 10,000 का बिल आया है, तुम्हें नहीं लगता ये गलत है? देखो बहू, बढ़ा चढ़ा कर बातें करना अपनी जगह, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी फेंकना भी गलत है ना। पहली बात तो इतने सारे पैसे लगे, और दूसरी बात खाना वेस्ट होगा। आप लोग ठीक कहते हैं, मैं आज के बाद अपनी इस आदत को कंट्रोल करने की कोशिश करूंगी और अब से गप थोड़ी कम मारा करूंगी। पिंकी की बात सुनकर सब लोग हंसने लगे।